नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लव कुमार ब्लॉग्स में। दोस्तों देखिए हमारे बीच नाम बता, अंकित कुमार है। तो अभी ये शोक उठा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा इसका चेहरा पूरा मुरझाया हुआ है। तो आज के ब्लॉग में कुछ खास होने वाला है, तो आप ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। हाय कर दो, हाय कर दो। हाय। तिल सेहत के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है। लोग इसे खाने से लेकर लगाने तक के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आपने कभी तिल की चटनी खाई है? जी हाँ, दक्षिण भारत में तिल की चटनी कई प्रकारों से बनाई और खाई जाती है। तिल की चटनी खाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आयरन से भरपूर और शरीर में खून की कमी को दूर करता है। ये चटनी फाइबर से भरपूर भी है, जो पेट को साफ करती है और अपच और एसिडिटी जैसी बीमारियों से बचाती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती है। साथ ही सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हड्डियों से जुड़ी परेशानियों से जो जूझ रहे हैं लोग, उनको बहुत फायदा करता है। तो फाइनली तिली का चटनी पिस गया है और देखिए हमारे बीच में देखिए अंकित भी आ चुका है खाना खाने के लिए, और लोग खाते हैं, फिनिश करते हैं। अंकित बोलो कुछ, खाएगा ना तिली का चटनी? देखो खाएगा ना? हाँ। खाएगा ना तिली का चटनी? अच्छा लगता है खाने में? तो हम लोग खाते हैं, खाना फिनिश करते हैं। और देखिए तिली चटनी बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगता है। अभी बहुताय रूप से गांव में तिली चटनी मिलेगा, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है तिली के चटनी का। जल्दी खाओ, देख रहा देख रहा खाओ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बोलो इसे। उसमें नमक नहीं है, पर नमक डाल देते हैं। हाँ यार। तुम खा। ये भी मेरे को तीखा लगता है। तीखा लगता है। जल्दी खा लो, खत्म करो। लो बाबू खा लो तिली चटनी, कैसा लगेगा? लो बाबू तिली चटनी खा लो, बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है?